हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर दे विच मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जिहड़ा असी टॉपिक स्टडी करांगे दैट इज़ नंबर सीरीज़। एंड नंबर सीरीज़ दे जिहड़े काफ़ी क्वेश्चन जिहड़े आ वो NMMS ते NTSC एग्जाम दे विच पूछे जांदे आ। सो आओ कुछ क्वेश्चन आपां डिस्कस करते हैं। सो फस्ट क्वेश्चन इज़ कि सानू एक सीकुएंस दिता होया है, फॉर एग्जाम्पल 5, 11, 24, 51, 106 एंड वी हैव टू फाइंड द नैक्सट टर्म। सो इहदे विच तुसी जे सीकुएंस देखोगे कि 5 तो बाद 11 है, सो इहदे विच 6 दा डिफरेंस है, 11 तो बाद 24, सो ये 13 दा डिफरेंस, फिर जिहड़ा डिफरेंस है वध रहा है। सो इहदे विच कुछ एक सिस्टमैटिक सीकुएंस नहीं बन रहा। सो इहदे विच असी की करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जे मैं 5 नू 2 ना मल्टीप्लाई करा तो मैं 1 ऐड कर रहा। सो फॉर एग्जाम्पल 5 × 2 + 1 सो दैट इज़ इक्वल टू 11 आ रहा, ठीक है। उस तो बाद हुण जे मैं 11 नू 2 दे नाल मल्टीप्लाई करा प्लस 2 ऐड करा, सो 11 × 2 = 22 + 2 = 24। सो उस तो बाद 24 नू जे मैं 2 दे नाल मल्टीप्लाई करा प्लस 3 ऐड करा, 24 × 2 = 48 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 51। सो एक तुसीं देखोगे कि एक सिस्टमैटिक सीकुएंस बन रहा है कि असी हर एक जिहड़ी पिछली टर्म है उहनू 2 नाल मल्टीप्लाई करके आपां एक एक जिहड़ा एडिशन आ उह हौली हौली वाधा कर रहे हां उहदे विच। सो इस तरह 51 जिहड़ा है उहनू मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करा प्लस 4 ऐड करा, 51 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 102 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 106। हुण अगला जिहड़ा मैं नंबर है वो लभना है, वह मैं किस तरह लभ सकता हाँ। सो 106 नूं मैं 2 नाल जे मैं मल्टीप्लाई करा फिर मैं उहदे च 5 ऐड करांगा, 106 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 212, 212 + 5 = 217। सो अगला जिहड़ा सीकुएंस है साढ़े कोल 217 होएगा। सो इस तरह के जोड़े क्वेश्चन है कि तू एक सीरीज़ दिती होएगी तो तू एक लास्ट वाली सीरीज़ के पूछा जाएगा कि उस सीरीज़ नू तुसी कंप्लीट करो, 4 ऑप्शन दित्तियां होणगियां, सो तुसी उहदे विचों करैक्ट ऑप्शन जिहड़ी है वह लभ सकते हो। सो इस तरह ही एक क्वेश्चन है, नैक्सट क्वेश्चन इज़ 4, 9, 16, 25। सो नैक्सट जिहड़ा है सानू एक सीक्वेंस कंप्लीट करना है, ऑप्शनस जिहड़ियां सानू इहदे च दित्तियां होईयां हन 32, 42, 55 and 36। हुण तुसी देखो 4, 9, 16, 25 ये हर एक जिहड़ा है ये स्केयर है। फॉर एग्जाम्पल 4 किहदा स्केयर है, वह 2 दा स्केयर है, 9 किहदा स्केयर है, वह 3 दा स्केयर है, इस तरह ही 16 जिहड़ा है दैट इज़ स्केयर ऑफ 4, 25 जिहड़ा है वह 5 दा स्केयर है। सो अगली टर्म असी देखांगे कि 2, 3, 4, 5 हुण अगला जिहड़ा है वह 6 दा स्केयर की होएगा दैट इज़ इक्वल टू 36। सो करैक्ट ऑप्शन इज़ 36। सो तुसी एक पहले उस सीरीज़ नूं देखना है कि किहड़े किहड़े सानू दित्ता होया है कि जिहड़ा उहदे च किस तरह जिहड़ा किहड़ा सीकुएंस असी लगाईए कि असी जिहड़ा अपना आंसर है जिहड़ियां सानू ऑप्शनस दित्तियां कि उहदे विचों आपां उहनूं आसानी नाल लभ सकीए। सो ये जिहड़े आ जिन्नी ज़्यादा तुसी प्रैक्टिस करोगे उन्नी जिहड़ा तुहाडा इहदे विच कमांड जिहड़ी है हौली हौली आपे आई जाएगी। सो नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा है अगेन एक नंबर सीरीज़ सानू दित्ती हुई है 3, 8, 15, 24, 34, 48, 63। सो इहदे विच सानू एक सीरी दित्ती हुई है, वी हैव टू फाइंड द रोंग टर्म कि असी इहदे विचों एक गलत टर्म जिहड़ी है वह जिहड़ी सीरीज़ बाकी सारियां एक सीकुएंस नू फॉलो कर रही हैं तो किहड़ी जिहड़ी है वह नहीं कर रही। सो इहदे विच सानू ऑप्शन दित्तियां हुई हैं 15, 12, 34 ते 63। हुण तुसी थोड़ा जिहा इहनूं ध्यान नाल देखो कि जे मैं सैकेंड 3 तो बाद 8 आ रहा, 5 दा डिफरेंस है,
अठ सत्त पंद्रह उस तो बाद चौबी सो जे मैं एट माइनस थ्री करा सो दैट इज़ इक्वल टू फाइव कि हर एक दे विच डिफरेंस किन्ना आ रहा है सो इस तरह पंद्रह माइनस अठ दे विच जिहड़ा डिफरेंस आ रहा है वह सत्त दा आ रहा है चौबी माइनस पंद्रह दे विच जिहड़ा डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ नौ चौंती माइनस चौबी दे विच जिहड़ा डिफरेंस है वह दस दा है सो इस तरह अड़ताली माइनस चौंती दे विच जिहड़ा डिफरेंस है वह चौदह दा है त्रेंठ माइनस अड़ताली दे विच जिहड़ा डिफरेंस है वह पंद्रह दा है तुसीं इहदे च देखोगे कि पंज सत्त नौ दो दो दा डिफरेंस जिहड़ा है वह एक सीकुएंस दे विच आ रहा सी हुण इत्थे नौ तो बाद ग्यारह आना चाहीदा सी कि जिहड़ा डिफरेंस है साडा ग्यारह दा आंदा सो इहदे विच चौंती वाली टर्म जिहड़ी है वह उन्होंने एक रोंग सीकुएंस जिहड़ी है वह सारे जिहदी करके की है कि साडा सारा सीकुएंस एक रोंग हो गया सो इहदे विच रोंग टर्म जिहड़ी है जिहदे करके कोई भी सीकुएंस नहीं बन रहा सो 34 इज द रोंग टर्म इन दिस क्वेश्चन सो होर किस तरह के जिहड़े क्वेश्चन आ सकते हैं सो नैक्सट एक फिर सानू सीरीज दिती हुई है चार नौ तेरह बाई पैंती सो उदे विच असी अगला जिहड़ा केड़ा सीकुएंस है वो आपां पता करना है ऑप्शनस हैं 57 70 63 एंड 75 हुण तुसी देखो कि इहनूं आपां किस तरह सॉल्व कर सकते हाँ कि मैं एडिशन जे मैं करां फॉर एग्जाम्पल नौ दे विच मैं चार जोड़ा ते तेरह आ रहा है तेरह दे विच जे मैं नौ जोड़ा तो 22 आ रहा है 22 दे विच जे मैं 13 जोड़ा तो 35 आ रहा है सो कहन दा मतलब की है कि असी जड़ियाँ पिछलियाँ दो जड़े टर्म्स हैं उन्हों जोड़ के आपां तीसरी टर्म जड़ी साड़ी आ रही है सो इस तरह ही जे मैं 35 दे विच 22 जोड़ा तो साढ़े को अगला जड़ा सीकुएंस है वह की आना चाहिए है 5 2 7 3 2 5 57 जड़ा है अगला साड़ा करैक्ट जिहड़ा है वह सीकुएंस होएगा सो इदां दे होर क्वेश्चन जिहड़े आ आपां डिस्कस करते हाँ हुण इस दे विच सानू एक सीरीज दिती हुई है उहदे विच एक टर्म उन्होंने मिस करती 1 1 3 9 6 36 10 100 मिसिंग टर्म 225 हुण इहदे विच सानू ए वाली मिसिंग टर्म जिहड़ी है वह फाइंड आउट करनी है ऑप्शनस जिहड़ियां दित्तियां होईयां हन 15 16 20 25 हुण तुसीं देखो 1 1 दो वारी आ रहा है सो इत्थे मैं एक गल तुहानूं दसनी चाहवांगा कि जिथे कोई भी नंबर जिहड़ा है सीरीज़ दे विच दो वारी रिपीट हो जाए सो उस क्वेश्चन दे विच हो सकदा कि वह एक सीरीज़ एक सीकुएंस की बजाए दो सीकुएंस जिहड़े आ उहदे विच वह बनणगे हुण तुसीं देखो एक सीकुएंस जिहड़ा साडे कोल बन रहा है वह बन रहा है 1 3 तो बाद 6 6 तो बाद 10 10 तो बाद अगला नंबर आएगा जिहड़ा आपां लभना है सो इस तरह असी 1 तो बाद 9 9 तो बाद 36 36 तो बाद 100 100 तो बाद जिहड़ा है 225 सो इहनूं आपां दो सीकुएंस जिहड़े आ इस सीरीज़ दे विच साडे बन रहे हन उह मैं इत्थे लिख लैना 1 3 6 10 अगला असी लभना है दूसरा जिहड़ा साडे कोल बन रहा है 1 9 36 100 225 हुण इहदे विच तुसीं देखोगे कि 1 तो बाद 3 किद्दां आ रहा आपां 2 ऐड करते 3 तो बाद 6 किस तरह आ रहा आपां 3 ऐड करते 6 तो बाद 10 किस तरह आ रहा है आपां 4 ऐड कर दिए ते ठीक है ना सो इहदे विच आपां एक एक नंबर वधा के एडिशन जिहड़ी है वह कर रहे हाँ सो तुसी देखोगे 1 च 2 ऐड करिए 3 आ रहा है 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 हुण आपां इहदे च की ऐड करांगे 4 तो अगला 5 सो 10 प्लस 5 15 सो साडे कोल जिहड़ा करैक्ट ऑप्शन जिहड़ा है इहदे विच
की होएगी साडा, सो इहदे विच साडे कोल करैक्ट ऑप्शन आएगी 15 जिहड़ा है, दैट इज़ द करैक्ट सीकुएंस फॉर दिस सीरीज। सो इस तरह के जिहड़े होर दो जिहदे च सीकुएंस बन रहे हैं उदां दा आपां एक दो प्रॉब्लम्स होर डिस्कस करते हाँ। 2, 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26, सो अगली जिहड़ी टर्म है वह आपां लभनी है। ऑप्शनस जिहड़ियां सानूं दित्तियां होईयां हन 35, 32, 30, 28। हुण इहदे विच तुसीं देखो कि फिर ये जिहड़ी है इहदे विच दो जिहड़े कंबीनेशन हन वह बन रहे हन। सो पहला कंबीनेशन जिहड़ा है 0, 3, 8, 15, 24 तो अगला जिहड़ा है आपां सीकुएंस जिहड़ा लभना है। इस तरह दूसरी जिहड़ी सीरी है 2, 5, 10, 17, 26 ते अगली जिहड़ा सीकुएंस है। हुण इहनूं मैं इत्थे फिर लिख लैना हाँ 0, 3, 8, 15, 24 ते अगला जिहड़ा सीकुएंस है वह असी लभना है। सो तुहानूं एक वारी सीरीज़ नूं तुसीं आपां सैपरेट कर लेना है दो वारी दो सीकुएंस दे विच। सो दूसरा है 2, 5, 10, 17 तो बाद 26 अगला जिहड़ा है सानूं दित्ता नहीं है। हुण इहदे च तुसीं देखो कि दोवां दे विच किहड़ा पाथ कॉमन जिहड़ा उह फॉलो हो रहा है। हुण इहदे विच 0 ते विच 3 आपां ऐड कर दईए ते 3 आ जाएगा, 3 दे विच 5 ऐड कर दईए 8 आ जाएगा, 8 + 7 = 15, 15 + 9 = 24। सो आपां दो दो जिहड़ा नंबर इनक्रीज करके ऐड कर रहे हाँ। सो इसे तरह ही 2 दे विच आपां 3 ऐड करते 5, 5 दे विच 5 ऐड करते 10 + 7 = 17 + 9 = 26। हुण 9 दे तो बाद आपां किन्ने ऐड करांगे इहदे च 11। सो 24 + 11 दैट इज़ इक्वल टू 35 जिहड़ा है साडे कोल अगला टर्म आएगी। सो आवर करैक्ट ऑप्शन इज 35। हुण दो क्वेश्चन जिहड़े हाँ वह मैं तुहानूं तुहाडे असाइनमेंट जिहड़ी है वह दे रहा हाँ। सो तुसीं जिहड़ी है उहनूं सॉल्व करके कमेंट बॉक्स दे विच उहदा आंसर करना है। सो साडे कोल एक सीकुएंस है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 96। सो इहदे च तुसीं रोंग टर्म फाइंड आउट करनी है, फाइंड द रोंग टर्म। सो आंसर जिहड़े ऑप्शन सानूं दित्तियां होईयां हन 4, 32, 64 ते 96। सो तुसीं इहदे चों रोंग टर्म फाइंड आउट करनी है। सो इसे तरह ही रोंग टर्म का एक मैं तुहानूं होर दे रहा 1, 5, 5, 9, 7, 11, 11, 15, 12, 17। सो इहदे विच भी तुसीं जिहड़ी है रोंग टर्म जिहड़ी है वह फाइंड आउट करनी है। सो इदां दे जिहड़े आपां होर सीकुएंस वाले प्रॉब्लम्स जिहड़ियां हन अपने अगले लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। सो तुसीं इहनां नूं सॉल्व करके इहनां दे आंसर कमेंट बॉक्स दे विच देने हन। सो टिल दैन गुड बाय, सी यू इन द नैक्सट लैक्चर।